हे गाइस, आप सभी को मेरे 4 मिलियन स्पेशल Q&A वीडियो में स्वागत है। शायद आप में से 2-3% लोग ऐसे बोलेंगे कि आपका तो अभी तक 4 मिलियन हुआ ही नहीं, 350K सब्सक्राइबर्स दिखा रहा है। तो गाइस, उन सभी से मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि आप लोगों को पता नहीं है कि मेरे एक शॉर्ट्स चैनल है जिसका नाम है हेक्सन प्रो गेमिंग, जिसके अभी के टाइम पे 4.22 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। और गाइस, आप सभी से मैं माफी मांगना चाहूंगा कि आप लोगों को मैंने पहले भी बोला था कि 3 मिलियन पे मैं Q&A करने वाला हूं, पर मैंने किया नहीं था। और 4 मिलियन 5 दिन पहले हो गए थे और मैं आज वीडियो डाल रहा हूं क्योंकि भाई टाइम ही नहीं मिल रहा यार, क्या करूं तो करूं क्या यार। तो गाइस, ये सब बातों को साइड में रखते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा Q&A। गाइस, इसके बारे में मुझे कभी पता नहीं है क्योंकि मैंने कभी टेस्ट करके देखा नहीं है, खाली ब्रश करके छोड़ देता हूँ मैं तो। और एक्शन भाई, ये बताओ मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? क्योंकि वो चॉकलेट से बनती होगी। क्या बात कर रहा है एक्शन भाई, हम सब आपको एक्शन भाई बोलते हैं, पर आपका रियल नाम क्या है और आज आपको अपना फुल नेम बताना पड़ेगा। तो गाइस, मेरा नाम है प्रदीप और मेरा फुल नेम है सिल प्रदीप प्रवीर। एक्शन भाई, आप रहते कहाँ पे हो? गाइस, मैं गुजरात से हूँ, सूरत शहर से, पर गाइस मेरा बर्थ प्लेस है वेस्ट बंगाल। आपको कितनी लैंग्वेज आती है? गाइस, मुझे बंगाली आती है, हिंदी आती है, गुजराती आती है, फिर इंग्लिश आती है और पता नहीं अभी भूल गया हूँ, बाद में बता दूंगा कभी। हैक्सन भाई, आपकी एज कितनी है और आप कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हो? तो गाइस, मेरी एज है 19 इयर्स और मैं स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ता, अभी कॉलेज में पढ़ता हूँ, अभी साइंस स्टूडेंट हूँ मैं और BSc में पढ़ता हूँ, अभी के टाइम पे फर्स्ट ईयर है। हैक्सन भाई, आपने YouTube स्टार्ट कैसे किया था? तो गाइस, इसके ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बना दी है, मेरे इस चैनल पे आपको मिल जाएगी। पर और बता देता हूँ आप सभी को कि एक बार हमारे गेम में मतलब एक हैकर आ गया था, तो उसका ही मैंने वीडियो डाल दिया था, तो तभी से मैं YouTube पे वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया था। हैक्सन भाई, क्या आपकी गर्लफ्रेंड है? अरे ये तो डिमांडिंग क्वेश्चन है, इसको आगे बोलूंगा, अभी नहीं बोलूंगा मैं। हैक्सन भाई, आपकी इंस्पिरेशन कौन है? गाइस, मेरी इंस्पिरेशन कोई अकेला वाला इंसान नहीं है और वो कोई फ्री फायर का क्रिएटर भी नहीं है, बहुत सारे अलग अलग मतलब फनी वीडियोस बनाते हैं, वो लोग मेरे इंस्पिरेशन है, तो उनके नाम कभी बाद में बताएंगे। हैक्सन भाई, आप एक महीने में कितना कमा लेते हो? ये भी सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इसको भी बाद में बोलूंगा। आपके घर पे कितने लोग हैं? गाइस, मेरा बहुत ही छोटा फैमिली है, मेरे फैमिली में मेरे पापा मम्मी और मेरा एक छोटा भाई बस, और एक ही जन की कमी है। किसकी कमी है हैक्सन भाई? काम वाली की। आपके 10th में कितने आए थे? मेरे 10th में 75-80% के बीच में आए थे, मुझे अभी याद नहीं है कितने। और काफी जन पूछ रहे थे आपके 12th में भी कितने आए थे, तो मैंने 10th के बाद लिया था साइंस और साइंस से 12th कर रहा था और हमारे कोविड आने के वजह से हम सभी को पास कर दिया गया था। तो गाइस, 10th में जितने आए थे वही परसेंट 12th में दे दिए थे और थोड़ा ज्यादा दिया था, तो सही था भाई। हैक्सन भाई, अगर आप अभी यूट्यूबर नहीं होते तो क्या करते? गाइस, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं यूट्यूबर हूं तो खाली यूट्यूब करता हूं, नहीं गाइस, मैं अभी भी कॉलेज जाता हूं और पढ़ता भी हूं। इसके लिए कुछ यूट्यूबर मेरे ऊपर गुस्सा रहते हैं, क्यों पता है? क्योंकि मैं उनका कभी कॉल उठाता ही नहीं हूं, मैं गाइस बहुत ही ज्यादा बिजी रहता हूं क्योंकि कॉलेज का काम होता है, बहुत सारा अलग अलग काम रहता है और मैं अकेला, मेरा यूट्यूब चैनल पूरा है ना, पूरा अकेला मैं संभालता हूं, ठीक है? अगर आप लोग को भी कहीं से नंबर मिल गया तो गाइस मैं शायद ही किसी का कॉल उठाता हूं, ऐसा हूं भाई, तो ऐसा मत सोचना बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड वाला बंदा है, नहीं भाई, ठीक है? क्या हैक्सन भाई, आप खिलाते हो? अबे इसमें हंसने जैसी क्या बात थी, मैं तो दिन रात हिलाता हूँ। गाइस, इसे बताओ इसमें हंसने जैसी क्या बात है भाई, सभी हिलाते हैं ना, ये देखो भाई ऐसे कौन कौन नहीं हिलाता, कमेंट में बताओ यार। आपका बर्थडे क्या है हैक्सन भाई? गाइस, आप में से शायद कुछ जनों को पता नहीं होगा, थोड़े दिनों पहले ही मेरा बर्थडे था, 16 मई को। हैक्सन भाई, आपकी वॉइस इतनी ज्यादा क्यूट कैसे है? इसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा तपस्या करनी पड़ेगी, नहीं तो आप विमल का सकते हो, बोलो जुबा केचरी। गाइस, ये सब मैंने मजाक में बोला है कि कोई भी सीरियस नहीं लेगा, ओके? आपने कभी सिगरेट या दारू पी है? गाइस, अगर मैं आप सभी को अगर ये सच्चाई बताऊं तो आप लोग बोलोगे ये तो लड़का ही नहीं है। नहीं भाई, मैंने आज तक कोई भी ऐसी चीज को हाथ नहीं लगाया है जो ऐसी चीजें हो। आपके क्लोज फ्रेंड्स के नाम बताओ। मेरे बहुत ही अच्छे मतलब बेस्ट फ्रेंड्स का नाम है अमितेश और कौशिक, उनका गेम में नाम है हैप्पी और क्लच गॉट। और गेम में बेस्ट फ्रेंड्स की बात बोले तो दुबई तो है ही हमारा भाई और नवनीत भी है। आपके पास तो आईफोन जरूर से होगा ना? नहीं भाई, वो मेरे पास आईफोन नहीं है क्योंकि मुझे आईफोन लेने में कोई अच्छा चीज लगा नहीं, इसके लिए मैंने आईफोन लिया नहीं, मेरे पास पोको F3 GT है। और गाइस, आगे चल के कभी भी आसुस का रॉग 6 का फोन आ गया, लॉन्च हुआ, तो उसका पहला वर्जन ही मेरे पास होना चाहिए, मतलब पहले दिन ही मेरे पास वो फोन होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, और मैं लूंगा भी गाइस, देख लेना। हैक्सन भाई, अब तो बता दो तुम्हारी इनकम कितनी है? तो गाइस, ये पोको F3 GT जो मेरे पास फोन है, ये मैं एक महीने में 2-3 ले सकता हूँ। तो गाइस, आप लोगों ने सही सुना, हाँ गाइस मेरी अच्छी खासी इनकम है, पर मैं एक पैसा भी अपने पास नहीं रखता, अपने पापा और मम्मी को दे देता हूँ, ओके? हैक्सन भाई,
को एक फनी सा इंसिडेंट बताओ जो अभी आपके साथ हुआ हो। तो गाइस आप में से काफी लोगों को पता होगा कि 16 मई को मेरा बर्थडे था। इसके लिए हम रात को घूमने निकले थे गाड़ियों से, मतलब गाड़ी से घूमते घूमते हमको लगा चलो मूवी देख के आते हैं। तो मैंने फटाफट से टिकट बुक करी और मूवी के थिएटर के उधर निकल गए। रात के 12 बज रहे थे और हम जाके देखे कि पूरा थिएटर बंद है। तो हमने पूछा कि ये मूवी कहाँ चलेगी, तो उस बंदे ने बोला कि ये तो सुबह के 12 बजे का मूवी है। तो गाइस लिटरली हमने एएम और पीएम का ध्यान नहीं दिया था, तो इतनी ज्यादा बेइज्जती हुई कि क्या बताएं अब। तो गाइस हम डॉक्टर स्ट्रेंज देखने गए थे और हमारे साथ ही लॉल हो गया। छोड़ो भाई क्या बोलूं अब। हैक्सन भाई तुम फेस रिवील कब करोगे? तो गाइस मैं फेस रिवील 8 मिलियन या 10 मिलियन पे करूंगा, क्योंकि गाइस मैंने अगर एक बार अपना फेस दिखा दिया तो आप लोगों की गर्लफ्रेंड शायद मेरे ऊपर क्रश हो जाएगी और आप लोगों का पत्ता कट सकता है, तो मैं ऐसा नहीं चाहता। ओके आपके जब 1K कंप्लीट हुआ था तो कैसी खुशी थी, और 100K कंप्लीट होने पर क्या कैसी खुशी थी? तो गाइस जब मेरे 1K कंप्लीट हुए थे उस टाइम मैं जितना खुश था, आज जब 4 मिलियन हो गए तब भी मैं उतना खुश आज तक नहीं हुआ। ठीक है, क्या आपको आपकी फैमिली मेंबर सपोर्ट करते हैं? अगर आप 1 रुपए नहीं कमा रहे तो आपको कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, आपकी फैमिली कभी भी आपको इस बात के लिए सपोर्ट कभी भी नहीं करेगी। ओके, जब तक आप लोग कमा नहीं लेते तब तक भाई नहीं करने वाली। तो गाइस पहले पहले मुझे भी ठीक से सपोर्ट नहीं करते थे, तो मुझे बहुत डांटते भी थे बार बार फोन लेके, गेम वीडियो ये सब। बट बाकी जब मैं थोड़ा बहुत सक्सेस हो गया तब लोग उन लोगों ने बोला हाँ करो। आपको वीडियो एडिट करने में और अपलोड करने में कितना टाइम लगता है? गाइस आपने क्वेश्चन ठीक नहीं पूछा। अगर मेरे को वीडियो एडिट और अपलोड करने में तो मेरे को 1 से 1.5 घंटा ही लगता है, पर वीडियो बनाने में के कितना टाइम लगता है वो नहीं पूछा आप लोगों ने। भाई वीडियो बनाने के लिए आधा आधा दिन निकल जाता है, मतलब ऐसे ही ग्रुप में बैठे बैठे सोचता रहता हूँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। मैं बहुत ही ज्यादा दुबई को भी परेशान करता रहता हूँ भाई करवा कुछ करवा कुछ। तो गाइस बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है इसी टाइम पे भाई, वीडियो सोचने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। एएम दुबई गेमिंग कैसे आपसे मिला? तो गाइस ये एक बहुत ही ज्यादा फनी इंसिडेंट है। मैंने एक वीडियो बनाया था कि काला कुर्ता पजामा वो वाला एक गाने पे वीडियो बनाया था, तो इसने क्या किया मेरा वॉइस यूज कर लिया, तो मैं गुस्सा हो गया और इस पे 2.5 मिलियन व्यूज आ गए थे उसके वीडियो पे। तो मैंने बोला भाई मेरी वॉइस यूज किया कुछ बोला नहीं, तो उसने क्रेडिट दे दिया था। पर मैंने बोला भाई ऐसा कौन करता है इंस्टाग्राम पे, वो बोला एक बार गेम में आ जाओ। तो मैंने उसको फिर इग्नोर किया कि भाई जाओ नहीं आने वाला, मैं ऐसा मतलब कुछ बोला नहीं, किया नहीं रिप्लाई उसको। पर उसके 10 दिन बाद एक मेरा सीजन 4 का दोस्त था ग्रुप पे खड़े थे और उसने बुला लिया अचानक से दुबई को, तो दुबई बोलने लगा आप एक्शन भाई हो ना, एक्शन भाई हो ना, मैंने आपकी वीडियो कॉपी की थी। तो मैंने बोला हाँ भाई, तो तब से हम बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। YouTube की वजह से आपकी जिंदगी में क्या क्या बदला? गाइस बहुत ही ज्यादा चेंजेस हुए। रात के 5 बजे सोता हूँ, खाता नहीं हूँ ठीक टाइम पे, और भाई हर टाइम वीडियो बनाता रहता हूँ बस, और मम्मी हर टाइम चिल्लाती रहती है खा ले नहा ले वहा ले सब कुछ। ठीक है, ये तुम्हारी रियल वॉइस है? हाँ गाइस ये मेरी रियल वॉइस है, और मैं जब वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ एकदम शांत रूम में अच्छी क्वालिटी के माइक से रिकॉर्ड करता हूँ, तो थोड़ी अच्छी क्वालिटी और भी हो जाती है, और लाइव स्ट्रीम और कॉल पे वैसी क्वालिटी नहीं हो पाती। हैक्सन भाई तुम्हारा रैंक पहले हीरोइक से नीचे कभी होता ही नहीं था, और आज तुम गेम खेलते ही क्यों नहीं हो? गाइस पहले टाइम ही टाइम होता था, इसके लिए गेम ही गेम खेलते थे और उसमें बहुत ही ज्यादा मजे करते थे। पर आज के टाइम पे मेरे पास टाइम ही नहीं होता, तो भाई गेम खेलने का मौका ही नहीं मिलता। हैक्सन भाई क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? क्या तुम्हारी शादी हो गई है? क्या तुम्हारे बच्चे हैं? चुप एकदम चुप साले, बच्चे कहां से भाई, अभी तक शादी नहीं हुई, बच्चे भाई क्या यार। और गाइस अभी तक तो मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, पर आप लोग चाहते हो तो मैं गर्लफ्रेंड बना सकता हूँ। तो गाइस डील करते हैं, अगर इस वीडियो में 60K लाइक्स हो जाते हैं तो मैं मेरी गर्लफ्रेंड का नाम रिवील कर दूंगा, फोटो भी रिवील कर सकता हूँ। तो गाइस अभी तक वीडियो को देख रहे थे तो लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, तो दिल से शुक्रिया यार।